भक्तजनों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 13 को मनाए जाने वाले इस पवित्र पावन धनतेरस त्योहार की आप सभी को ढेरों बधाइयां। पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं, भक्तों घर द्वारों पर वंदनवार लगाए जाते हैं, परंतु सबसे प्रमुख बात होती है महंगी धातुओं का क्रय करना, अर्थात सोना चांदी इत्यादि को खरीदना। इस दिन महंगी धातुएं खरीदना अत्यंत शुभ कार्य माना गया है, परंतु यह प्रथा क्यों कर प्रचलित हुई? इस दिन महालक्ष्मी और श्री कुबेर जी का क्यों पूजन किया जाता है? आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। धनतेरस की कथा सुनाओ, धनतेरस की कथा सुनाओ, सुनो लगा कर ध्यान। महालक्ष्मी और श्री कुबेर का पाओगे वरदान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। धनतेरस के पावन त्योहार की कथा कुछ इस प्रकार से है। भक्तों, एक बार श्री हरि भगवान विष्णु जी के मन में आया कि क्यों ना मृत्यु लोक की सैर की जाए। ज्यों ही चलने लगे, माता लक्ष्मी हट पर अड़ गईं कि वो भी उनके साथ आएंगी। श्री हरि विष्णु ने लाख समझाया, परंतु माता न मानी, इसलिए वो माता को लेकर मृत्यु लोक में आ गए। घूमते घूमते हरे भरे खेतों के पास आ गए थे कि तभी श्री हरि भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें दक्षिण दिशा वर्जित है, मैं दक्षिण दिशा को जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे कदापि मत आना और यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। यह कहकर श्री हरि दक्षिण दिशा को चले गए, परंतु परम चंचला महालक्ष्मी कहाँ मानने वाली थी, दक्षिण दिशा में हरि के पीछे पीछे चल दी। मार्ग में उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया तो गन्ना तोड़कर खाने लगी। पास ही सरसों का खेत भी था भक्तों, जिसके पीले फूल तोड़कर माता ने अपना श्रृंगार कर लिया। श्री हरि जब लौट कर आए, माता को अपने पीछे आता देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में माता को श्राप दिया कि जाओ 12 तक उसी किसान के यहाँ दासी बनकर रहो, जिसके खेतों से तुमने गन्ना और सरसों के फूल चुराए हैं। सारे जगत का पोषण करने वाली माता दासी रूप में किसान के द्वारे पर आ गई। श्री हरि के शाप के कारण दासी रूप बनाया, उस किसान के द्वारे आ गई भक्तों खुद महामाया। उस किसान को दया आ गई, घर पे उन्हें ले आया, घर के सारे काज थी करती दासी बनी महामाया। रूखा सूखा खाती थी वो, रूखा सूखा खाती थी वो, देती जो धन धाम। महालक्ष्मी और श्री कुबेर का पाओगे वरदान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। समय का चक्र चलता रहा भक्तों, किसान दिन प्रतिदिन और भी दरिद्र होता जाता था, उसके ऊपर ऋण चढ़ते चले गए, फसलें भी मौसम की मार से चौपट होने लगी। तब महालक्ष्मी ने उनके उद्धार की सोची। उन्होंने स्वयं की एक माटी की मूरत बनाई और किसान की पत्नी को उस मूर्ति की विधिवत पूजन अर्चन करने को कहा।
जैसे ही किसान की पत्नी ने माता की मूर्ति की पूजन अर्चन शुरू की, माता लक्ष्मी ने उन पर अपनी कृपा दिखानी आरंभ कर दी और धीमे धीमे उनके दिन पलटने आरंभ हो गए। उस किसान की दरिद्रता तो माँ से देखी न जाए, अपने ही हाथों से माता स्वयं की मूर्ति बनाए। इस मूर्ति की पूजा करो तुम, मैया ने समझाया। उस किसान की पत्नी ने फिर पूजी थी महामाया। दिन थे लगे पलटने भक्तों, दिन थे लगे पलटने भक्तों, आने लगा धन धाम। महालक्ष्मी और श्री कुबेर का पाओगे वरदान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। जिस दिन से किसान परिवार ने माता महालक्ष्मी का पूजन आरंभ किया भक्तों, उनके दिन पलटने शुरू हो गए। ऋण माफ होते चले गए, फसलें पहले से दोगुनी चौगुनी उगने लगी और अच्छे भाव पर बाजार में बिकने भी लगी। अब तो माँ लक्ष्मी को वो पुत्री के समान स्नेह करने लगे और सुख से समय व्यतीत करने लगे। परंतु समय का चक्र तो रुकता नहीं है भक्तों, देखते देखते 12 वर्ष समाप्त हो गए और श्री हरि ठीक 12 वर्ष की समाप्ति के पश्चात माता महालक्ष्मी को वापस लेने आ गए। किसान ने जब ये सत्य जाना तो भी वो माता लक्ष्मी को वापस भेजने के लिए आनाकानी करने लगा। श्री हरि ने माता लक्ष्मी ने लाख समझाया, परंतु किसान था कि मानता ही नहीं था। 12 वर्ष बीते तो विष्णु माँ को लेने आए, बोले मेरी पत्नी है ये, उसको थे समझाए। मैया को वापस देने को वो किसान ना माना, मैया मेरे यहाँ रहेगी उस किसान ने ठाना। महालक्ष्मी का एक जगह पर हो, महालक्ष्मी का एक जगह पर नहीं होता स्थान। महालक्ष्मी और श्री कुबेर का पाओगे वरदान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। किसान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तब माता महालक्ष्मी ने उसे अपनी कृपा पाने का एक सरल उपाय बताया। बोली, कार्तिक 13 को मेरी और धन कुबेर जी की चौकी सजाना, उस पर साफ सुथरा लाल वस्त्र बिछाना, मेरा और श्री कुबेर जी का सोने से बना हुआ यंत्र उस पर स्थापित करना, एक ताम्र कलश लेना, उसमें सोने चांदी के सिक्के भर लेना, फिर उस कलश के मुख को किसी लाल वस्त्र से अच्छी तरह से बांध देना, तत्पश्चात मेरी और धन कुबेर जी की विधिवत पूजन अर्चन करना। इस विधि से मेरी और कुबेर की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। तभी से सभी लोग कार्तिक 13 को धन 13 का त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। भक्तों, अपने अपने घरों में माता लक्ष्मी और श्री कुबेर जी की चौकियां सजाते हैं, बाजार से सोना चांदी इत्यादि खरीद कर लाते हैं और एक ताम्र कलश में उन्हें भरकर उसका मुख लाल कपड़े से बांधकर अपनी अपनी तिजोरियों में रखते हैं। माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की चौकी खूब सजाना, इन दोनों के यंत्रों को फिर चंदन तिलक लगाना। ताम्र कलश में सोना चांदी सिक्के तुम भर लेना,
लाल वस्त्र से उस कलश के मुख को बंद कर देना। लक्ष्मी और कुबेर भरेंगे हो, लक्ष्मी और कुबेर भरेंगे भक्तों सब धन धाम। महालक्ष्मी और श्री कुबेर का पाओगे वरदान। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय। बोलो महालक्ष्मी की जय, बोलो श्री कुबेर की जय।